बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू ज़िमर्स किचन। मैं हूँ ज़िमर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से मैं और मेरी फैमिली सब खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार फिश बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही लाजवाब और ईजी रेसिपी है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बारबेक्यू के लिए यहाँ पर कुछ पैसे आप लोगों से मैं पहले शेयर करूँगी, जिसको हम लोगों ने जो है वो क्रश करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल स्पून के बराबर जो है यह ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के बराबर हमारे पास यहाँ पे है जी ब्लैक पेपर, यहाँ पे है 2 टेबल स्पून के बराबर हमारे पास धनिया, और यहाँ पे है जी 1 टीस्पून के बराबर अजवाइन। ये हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप लोग जो है कुछ कीजिएगा इसके अंदर से, आप लोग कोई भी चीज़ है वो स्किप ना करें, और स्पेशली अजवाइन तो बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। ये फ़िश के अंदर अजवाइन लाजमी ऐड होती है। तो अब हम लोग जो है इसके जो है क्रश कर लेते हैं, मतलब इसको हम लोग जो दरदरा कूट लेते हैं। यहाँ पे पक्के इसके स्पाइसेस आ जाते हैं। यहाँ पे ये पाउडर जो हम लोगों ने इसका क्रश करके बनाया है, ये हम लोगों ने लिया है। और यहाँ पे सॉल्ट हमारे पास 1 टीस्पून कम ही रखिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे हमारे पास कसूरी मिर्च जिसको मैंने ना छान लिया बारीक बारीक जो है ना, ये है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/4 टीस्पून के बराबर हमारे पास कसूरी लाल मिर्च है, और गर्म मसाला 1/2 टीस्पून है। अब इसकी मैरिनेशन लोगों दही में तैयार करनी है। यहाँ पे हमारा 1 कप के बराबर जो है वो दही है, इसके अंदर हम लोग ये जो है स्पाइसेस इनको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो बड़े हैं तो हम इसको जो है कट कर लेंगे इस तरह से, इसके हिसाब से हम ये पीस ये बना लेंगे इस साइज़ का। साथ ही मैंने जो है यहाँ पर ग्लव्स पहने हैं क्योंकि मसाला यहाँ पर लगाना है। फोक को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसकी जो है ना हमने एक एक पीस लेना है और इस तरह से इसके अंदर मैरिनेट करना स्टार्ट कर देना। यकीन माने ये फ़िश वाला बारबेक्यू बड़ा कमाल का बनेगा। आप लोग इस रेसिपी को घर पर एक मरतबा लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर आप फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। और यकीन माने कि बहुत ही लाजवाब बनेगी ये हमारी ये रेसिपी, और स्पाइस लवर्स के लिए तो ये बहुत कमाल की है, क्योंकि स्पाइसिस भी ब्लैक पेपर डाली हम लोगों ने इसके अंदर, रेड चिली पाउडर ऐड किया हुआ है, तो इससे तो स्पाइसेस आपको पता है बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो बढ़ गया। तो अब इस तरह सारी हम इसके अंदर कोट कर लेंगे। मैरिनेट कर लिया हम लोगों ने इसको, हम एक इसमें प्लेट में निकालते जाएंगे और बाकी जो है इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो ना जो बाउल था वो पड़ गया था जी छोटा, इसलिए जो है बड़े बाउल के अंदर ऐड करके मैंने अच्छी तरह से जो है इसकी मैरिनेशन वो कर ली है। अब हम लोग वापस उस बाउल के अंदर इसको शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसको इस रैपिंग से कवर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओवर नाइट मैरिनेट होने के लिए जो है वो रख देंगे, इससे इसके अंदर बहुत ही लाजवाब जो है वो फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। अब इसमें इसको सीखों के अंदर इस तरह से, दो सीखों में, कौन सी वाली सीख दिखा दी, ये वाली फ्रोजन, बिल्कुल ख्याल से एहतियात से यहाँ पे और दूसरी साइड पे इस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है वो फ्रो देना है। चलो जी, हो गया जी हमारी इस तरह ही तैयार हो गई है। इसी तरह हमने सारी कर लेनी है। चलो जी, ज़बरदस्त हो गई ये वाली, भी हमने रखी है, इसको भी 1-2 मिनट लगेंगे, अब इसको बाद में देखते हैं। ये हो चुकी है इस तरफ पर, अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। ये जो आप पीसेस देख सकते हैं फिश के, ये रेडी हो चुके हैं और ये अभी जो है बाकी रेडी हो रहे हैं। बहुत ही लाजवाब और कमाल की खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से हो चुकी है। तो अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें से माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह ये हमारे बहुत ज़्यादा लाजवाब और मज़ेदार फ़िश बारबेक्यू रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा लाजवाब जो है ये हमारा फ़िश बारबेक्यू जब वो रेडी हुआ, चेक करें पानी ड्राई हो चुका है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब बारबेक्यू हमारा तैयार हुआ। साथ ही इसके हम लोगों ने रेडी किया जी टमाटर की और हरी मिर्चों की चटनी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे याद दीजिए अगली वीडियो तक, अपना भी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे फैमिली की दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।